हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो गाइस, आज की वीडियो है मेरी गायनोवेदा से रिलेटेड ही। जैसे कि आपने मेरी पहले वीडियो देखी होगी, मैंने गायनोवेदा छोड़ दी है, तो फिर भी आपने मेरी वीडियो पर क्लिक किया, तो इसका मतलब कि आप या तो गायनोवेदा लेना शुरू कर रहे होंगे, या गायनोवेदा लेने की सोच रहे होंगे, या गायनोवेदा ले रहे होंगे, है ना। तभी मैं अपना ऑनेस्ट रिव्यू आपको बताऊंगी। तो जैसा मैंने अब 4-5 वीडियो मैंने गायनोवेदा से रिलेटेड डाली, मैंने सब में अपना ऑनेस्ट रिव्यू दिया है। कोई मेरा ये नहीं था कि मेरा खुद का स्पॉन्सर वीडियो, या मुझे कोई ऐसे कह रहा हो कि आप ये करिए मैडम, ये करिए, तो मेरा ऐसा कोई मोटिव नहीं था। और ना ही मैं ऐसा कभी करूँगी कि आपको कोई गलत रिव्यू दे के मैं अपना कोई अपने लिए कुछ अच्छा सोचूंगी। सो गाइस, ऐसा कुछ भी नहीं था। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे अच्छे कमेंट्स भी किए थे, बहुत सारे लोगों ने मुझे नेगेटिव कमेंट्स भी किए थे। तो मेरा ऐसा कोई मेरा मोटिव नहीं था किसी के लिए कि हाँ मैं ये गायनोवेदा, मेरा ये कोई दुश्मन तो था नहीं मेरा वो, कि जिसने भी ये प्रोडक्ट बनाए होंगे गायनोवेदा से रिलेटेड, गायनोवेदा है ना। तो जो भी मतलब था या थी, जो भी इसका अभी मैन्युफैक्चर जो भी करता होगा से, तो मैंने इसे यूज़ किया 3 महीने, जो मुझ पर अपने आप पे मैंने इस पर असर पाया, जो भी मैंने अपने आप पे इसे कंज्यूम करते करते मैंने अपनी चीज़ों अपनी बॉडी में चेंजेस पाए, मैंने वही आप सबको बताया। और बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे कमेंट अच्छे भी किए थे कि दीदी आपने हमें बताया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। जो भी मतलब उनका अपना वो था, रिव्यू था, वो सारी चीज़ें उन्होंने मुझे बताई है ना। मुझे भी जितना पता था मैंने भी सब आपको ये चीज़ें बताई। तो बहुत सारे लोगों ने मुझे कमेंट्स किया था, नेगेटिव कमेंट्स भी किए थे काफ़ी सारे लोगों ने कि ये ऐसा है, वो वैसा है, और आपने इसे कैसे ये कह दिया। मतलब माना कि देखो, मेरी बॉडी की हीलिंग पावर अलग है, आपकी बॉडी की हीलिंग पावर अलग है, कोई तीसरा बंदा होगा उसकी बॉडी की पावर हीलिंग पावर अलग होगी, है ना। हर एक ही दवाई हर बंदे पे अलग अलग प्रकार से काम करती है। अगर शायद मुझे यह पता उस दवाई से इन्फेक्शन हो जाए, मैं वही आपको बताऊँ, या आपको उस दवाई से कुछ अच्छा लाभ हो, है ना, आप वो मुझे बताओ, और किसी तीसरे बंदे को कुछ और प्रॉब्लम हो जाए वो बताए, है ना। तो मैं ये नहीं, मैं हमेशा किसी भी चीज़ को मैं हमेशा नेगेटिव पॉइंट में नहीं लेती, हमेशा उसके 2 पॉइंट होते हैं, नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना। आपको अच्छा लगा आपने मुझे अच्छा बताया, मुझे अच्छा नहीं लगा तो मैंने आपको वो बताया, है ना। तो मैंने आप सबके लिए तो नहीं कहा ये कि आप कोई भी मत लो इसे और सब बेकार है ये दवाइयाँ ये वो, सो मैंने आपके लिए तो बिल्कुल नहीं कहा था। आप उसे लीजिए, कंज्यूम कीजिए, आपको जो बेटर रिजल्ट मिले वो आप अपने लिए परफेक्ट कीजिए, है ना। तो ये स्पेशली PCOD के लिए है। तो मैंने इसे 3 महीने कंटिन्यू यूज़ किया, उसके बाद मुझे कोई रिजल्ट नहीं मिला, बेटर रिजल्ट नहीं मिला, कोई बात नहीं, मैंने छोड़ दी, है ना। तो ऐसा किसी ने मुझे कमेंट किया था कि आपने मुझे तो इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, ऐसे मुझे नाम नहीं पता कि मुझे इससे बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है, और आपने अपना डाइट अच्छा नहीं किया होगा, एक्सरसाइज नहीं की होगी, मतलब थोड़ा ऐसी कि वेयर्ड सा कि समझी करके कुछ समथिंग, कि हाँ मैं समझ गई, माना कि चलो इसने आपको गायनोवेदा ने आप पे असर किया, ठीक है, मुझ पे असर नहीं किया तो मैं वही तो आपको बताऊंगी। अब मैं ऐसे पॉइंट ऑफ व्यू तो नहीं दे सकते ना कि आप पे असर कर रहा है, मुझ पे असर नहीं कर रहा, कि मुझ पे ये क्यों असर नहीं कर रहा होगा। ठीक है, मैंने भी 5-6 हज़ार रुपये इस पर लगा दिए दवाइयों पर, 1700-1800 की 1 महीने की आती है दवाई है, तो ठीक है ना। मैंने शायद अपने ब्याह पे लगाए होंगे, कोई मुझे किसी ने स्पॉन्सर किया है, कोई मुझे आगे से पैसे दे रहा है कि हाँ हम तुम्हें फ्री में देते हैं, चलो तुम इसका रिव्यू करो, ऐसा तो मैंने कुछ भी नहीं कहा था। जो मुझे अपने आप पे लगा था मैंने वही आपको बताया ये चीज़ें। तो आप मतलब एक बार कमेंट करने से पहले कि थोड़ा सोच लीजिए कि हाँ शायद आपको भी इसके बेटर रिजल्ट मिले, तो ठीक है आप हमें मुझे बता दीजिए सिंपल कि हाँ मुझे इसके बेटर रिजल्ट मिले, शायद आपकी ये चीज़ें वो होंगी। मतलब एक नॉर्मल वे में कहना अच्छी बात है कि हम एक नॉर्मल कि दीदी मुझे इसके अच्छे रिजल्ट मिले, शायद आपकी डाइट अच्छी नहीं होगी, या शायद आपने एक्सरसाइज, या शायद आपने कुछ कभी ऐसे हो गया होगा आपसे कि जिससे आप इसे प्रॉपर नहीं ले पा रहे हो, ऐसा आप नॉर्मल वे में कह सकते हो। एक रूडली वे में कहना थोड़ा ऑकवर्ड लगता है कि शायद अगले वाला बंदा, मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते, है ना, तो आप मेरी शायद आपको स्क्रॉल करते करते वीडियो आ गई होगी तो आपने देख ली होगी। मुझे भी ऐसे नहीं पता था गायनोवेदा का, तो मैं भी इंस्टाग्राम पर स्क्रॉल करते करते ही मुझे ये वीडियो मिली, तो मैंने उसके भी हाथ पे ही मैंने ये दवाइयाँ मंगाई। मुझे नहीं पता कि किसे इसने कैसा असर किया, किस पे ये कैसा असर कर रहा है, या शायद मुझ पे ये कैसा असर करेगा, तो ये सब मैंने कुछ सोचा नहीं था। मतलब मैंने इसका सोचा था सिर्फ पॉजिटिव थिंग कि ये मुझ पे पॉजिटिव वे में काम करेगा, तो मुझे ऐसा कुछ रिजल्ट मिला नहीं पॉजिटिव वाला, क्योंकि 3 मंथ्स कम नहीं होते। 3 मंथ्स हम किसी चीज़ को देना बहुत ज़्यादा हमारे लिए भी थोड़ा टाइम का वो हो जाता है कि हम किसी भी चीज़ को 3 महीने तक लगातार करते जा रहे हैं और उसके बाद भी हमें कोई अच्छा रिजल्ट नहीं मिल रहा है। माना कि हर कोई, जैसे छोटा बच्चा भी होता है, उसे सीखने में थोड़ा टाइम लगता है,
कोई बात नहीं, बट एक माना होम्योपैथिक दवाइयाँ बहुत धीरे धीरे काम करती हैं, बहुत स्लोली स्लोली चलती हैं, कोई बात नहीं चलती रहे, और मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा इसलिए मैंने इसे छोड़ दी है। तो मैं आपको ये नहीं कहना चाहूँगी कि आप भी इसे छोड़ो, अगर आपको इससे बेटर रिजल्ट मिल रहा है तो प्लीज़ आप इसे कंटिन्यू कीजिए। शायद आपकी पीसीओडी की प्रॉब्लम या बहुत सारी चीज़ों के लिए आता है, पिगमेंटेशन के लिए आता है, पीसीओडी के लिए आता है, और शायद स्पॉट्स वगैरह के लिए भी आता है, तो ये आ जाता है ना। तो मैंने शायद उस वीडियो में ऐसा कह दिया होगा कि मेरे मुँह पर एंकल एक्ने आ गए, तो हो सकता है कि मैंने उस टाइम पानी नहीं पिया होगा बराबर मात्रा में। अब देखो मेरा फेस एकदम क्लीन है, मैंने उसमें कोई फिल्टर नहीं लगा रखा है, अब सिंपल ये मेरा कैमरा चल रहा है। तो मैं अब तो नहीं कहूँगी ना कि उसी से मुझे ये हुआ, तो मैंने उसका एक पर्टिकुलर नाम नहीं लिया था कि गायनोवेदा से ही मुझे ये हुआ था। मैंने उसमें शायद ये भी बोला था कि जब शायद मैंने प्रॉपर पानी नहीं पिया होगा, क्योंकि होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या होती हैं, थोड़ी गर्म होती हैं, तो उसमें हमें पानी और मतलब रसीली चीज़ों का ज़्यादा सेवन करना पड़ता है, ऐसे ऑयली या वैसी चीज़ें ज़्यादा कम लेनी पड़ती। तो हो सकता है कि मैं उस टाइम नहीं ली पा रही होंगी। तो आप ऐसे डायरेक्टली किसी को ये नहीं कह सकते कि हाँ कि आपने ऐसा नहीं किया होगा, आपने वैसे नहीं किया। समझी तो बहुत वेयर्ड सा है कि समझी, मतलब ऐसे मैं कहना चाहूँगी। तो गाइज प्लीज़ एक बार कमेंट करने से पहले आप एक बार सोचिए कि शायद अगले वाले बंदे को बुरा लग सकता है। मैं आपको नहीं जानती और ना ही आप मुझे जानते हो, तो कोई बात नहीं, एक वीडियो के थ्रू ही हम एक दूसरे को पहचानते हैं। तो प्लीज़ अगर आपकी बातों से किसी को बुरा लगे तो ऐसा काम मत कीजिएगा। तो मुझे भी वो बहुत बुरा लगा था, लेकिन फिर भी मैंने उनका नॉर्मल वे में जवाब दिया था कि हाँ ठीक है, शायद मुझसे कोई मिस्टेक हुई होगी, शायद इसीलिए मुझ पर काम नहीं किया होगा, या मेरी बॉडी इस प्रकार से हीलिंग पावर नहीं दे रही होगी इसलिए मेरा काम नहीं किया होगा। तो प्लीज़ गाइज, अगर आप मेरी वीडियो पर नहीं किसी और की वीडियो भी आप देखते हो, या किसी और की कोई भी वीडियो देखते हो, चाहे ब्यूटी फैशन या लाइफ स्टाइल या फिर ब्लॉग्स या फिर कुछ भी, एनी थिंग फूड है ना, कुछ भी देखते हो, लेकिन ऐसा गंदा कमेंट तो नहीं कीजिएगा कि इस प्रकार से। तो गाइज़ मेरी ये थी वीडियो, और जो लोग मुझे प्यार देते हैं उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और जो लोग थोड़ा सा ऐसे कमेंट करते हैं उनके लिए भी शुक्रिया। शायद उन्हीं की वजह से हम थोड़ा और बेटर सीखने की मैं कोशिश करूँगी। और मैं ये नहीं कहती कि आपने बहुत बुरा कमेंट किया, बस ये कहती थोड़ा सा अपनी जो आपने लिखा था वो थोड़ा सा अजीब लिखा हुआ था, चलो उसकी बात कोई बात नहीं, बट आगे से अगर आप बेटर कमेंट देंगे तो मैं और मुझे अच्छा लगेगा। तो आप भी बुरा मत मानिएगा, तो मुझे बस इस बात का बहुत दुख हुआ था कि मतलब ऐसे किसी को मैं नहीं चाहती किसी दूसरे बंदे को या किसी थर्ड बंदे को ऐसे हर्ट हो, लेकिन बस जो मुझे लगा तो वो मैंने आपको बता दिया। तो अगर आपको भी कोई ऐसा कमेंट लगे और आपकी भी कोई ऐसी बातें हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना।